बसमीम द नॉलेज स्कूल का कैंपस क्लास सिक्स चैप्टर नंबर थ्री द टॉपिक इज टिक्सड फीचर ऑफ एक्सेल टू थाउजेंड थर्टीन टू डे स्टार्ट द चैप्टर नंबर थ्री दस्ड फीचर्स एक्सल टू थाउजेंड थर्टीन जैसे कि आपको पता है कि एम एस एक्सल इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ये क्यों यूज़ होता है इट इज़ यूज फॉर मेनटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ़ बजट एक्सपेंसिस एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स You can also make the calculation work in MS Excel. So basically, 2013 एक एडवांस्ड फीचर्स हैं इसमें न्यू एडवांस फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है ठीक है जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑटोफिल और फ्लैश फिल के बारे में बताया था सॉर्टिंग। तो आज हम फिल्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली एक्सेल 2013 हैज़ अ फैसिलिटी टू फिल आ डाटा सीरीज ऑटोमेटिकली

तो बेसिकली द फिल्टर फीचर सेलेक्टिवली ब्लॉक्स और द डाटा आई डोंट वांट टू सी अ फिल्टर रेंज डिस्प्ले ओनली द रोज कॉलम मीट्स का कंडीशन और क्राइटेरिया यू स्पेसिफाई जैसे कि आपको फिगर 3.27 में नज़र आ रहा है कि लेट्स सपोज बिल्डिंग नेम सिटी नंबर ऑफ फ्लोर्स हाइट इन मीटर्स और एयर लिखा हुआ है अब स्टेप बाई स्टेप आपने क्या करना है सबसे पहले आपने डाटा लिखना है रो नंबर वन में बिल्डिंग नेम जैसे बुर्ज खलीफा शंघाई टावर मक्का वन व ट्रेड ट्रिपाई आप अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं इट्स नॉट कम्पल्सरी कि आप यही नेम लिखें आप बिल्डिंग नेम लिख लें आप यहाँ पे स्कूल नेम लिख लें या सिटीज़ नेम लिख लें इट्स योर चॉइस मैंने एक वैसे ही आपको जनरल पैटर्न बना के दिखाया है कि हाउ टू फिल्टर हाउ टू सिंपल फिल्टर द डाटा ठीक है अब लेट्स सपोज आपने क्या करना है सेकेंड में क्लिक द होम टैप इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक सॉर्ट एंड फ़िल्टर एंड सेलेक्ट फिल्टर इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट उसके बाद देखें आपको ये आ रहा है नज़र आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ शो हो रहा है कि आप जो है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाह रहे हैं या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी आप फ़िगर की डेफिनेशन जो, है, या की जो है, हैं या आप फ़िगर्स की जो स्पेसिफिकेशन है वो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट चाह रहे हैं या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चाह रहे हैं तो आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से कर सकते हैं ये देखें अब यहाँ मैंने सेलेक्टिव किया है सेलेक्ट ऑल एयर यानी जितने भी एयर शो हो रहे हैं इसमें 1998 से लेकर 2014 तक उन सब को ही फ़िल्टर किया जाए तो बेसिकली जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो वह सबको ड्रॉप डाउन बैनिंग कर देगा ठीक है तो अब देखें इनिशियली सिलेक्ट ऑल इट टिक जैसे लेट सपोज मैंने सबको टिक किया तो सेलेक्ट एनी नंबर इन ड्रॉप डाउन मेन्यू से 2010 एंड क्लिक ओके अगर लेट्स सपोज अगर मैं इन सारे सालों में से अगर जस्ट 2010 का रिकॉर्ड चाह रही हूँ तो जस्ट मैंने 2010 थाउजेंड के बॉक्स पे चेक किया और जैसे ही मैं इसको दोबारा से फिल्टर करूँगी तो देखें आपको यहाँ पे 2010 के रिकॉर्ड में ये थ्री सिटीज़ नेम कंट्रीज़ नेम और इनके नंबर ऑफ फ्लोट शो हो रहे हैं ठीक है अगर मैं मैं थाउजेंड टेन की जगह टू थाउजेंड ट्वेल्व करूँगी तो मुझे टू थाउजेंड ट्वेल्व का भी रिकॉर्ड इसी तरह ही सेम एज़ इट इज़ शो होगा तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि फ़िल्टर का मतलब होता है कि लेट्स सपोज आपके पास बहुत सारा डाटा है और आप उसमें से कुछ सेलेक्टिवली कुछ देखना चाह रहे हैं या उसको चूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसी चीज़ को फ़िल्टर करके आप उस डाटा को देख सकते हैं तो अभी कह सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू रिमूव द फ़िल्टर क्राइटेरिया डू वन ऑफ द फॉलोइंग सबसे पहले सिलेक्ट क्लियर इन द सॉर्ट एंड फ़िल्टर मेन्यू क्लिक क्लियर इन द सॉर्ट एंड फ़िल्टर ग्रुप ऑन द डाटा टैब और क्लिक द एरो टेक्स्ट टू एयर एंड सिलेक्ट क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम एयर और सिलेक्ट ऑल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ये देखें जैसे कि आप एयर में 2010 मैंने सेलेक्ट किया था तो अगर आप चाहें आप अपनी मर्जी से कोई और भी एयर सेलेक्ट कर सकते हैं ये बहुत इजी मेथड है आप चाहें तो इसको ख़ुद से भी कर सकते हैं आप लेट्स सपोज कोई सा भी ऐसा डाटा अज्यूम करें उसमें मुख्तलिफ एयर सिटीज़ नेम और उनका रिकॉर्ड करें उसके बाद अगर आप उनको फ़िल्टर करना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी एयर को सेलेक्ट करके और उसको फ़िल्टर करें यह देखें ये प्रैक्टिस आपकी है प्रैक्टिस आपने बहुत इजी है आपने घर में करनी है सबने स्टूडेंट्स आप सब ने इसी तरह सेल्स मैन नंबर सेल्स नेम और जोन और सेल्स अमाउंट लिखनी है ठीक है उसके बाद आपने फ़िल्टर करके इन सब के नाम सेलेक्ट करके बिगनिंग विद यानी जो बिगनिंग विद जिससे भी स्टार्ट हो रहा है तो आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे आप की चॉइस है आप किससे किस नेम से स्टार्ट करना चाह रहे हैं ए टू जी से करना चाह रहे हैं या जी टू ए टू करना चाह रहे हैं इट्स योर चॉइस ठीक है या आप सब ने ख़ुद अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको क्लियर हो जाए अब यहाँ देखिए मैंने एक और सिंपल सा डाटा एक आ, टाइप किया था ताकि आपको फ़िल्टर को समझने में और आसानी हो सपोज मैंने यहाँ पे सीरीज सीरियल, सीरियल नेम मंथ्स के ने डेज़ और सीज़न लिखा है अब देखें यहाँ पे आपको मुख्तिफ़ु के सीज़न नजर आ रहे हैं विंटर है स्प्रिंग है समर है ऑटम है ठीक है अगर लेट्सपोज़ में चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ समर का ही फिल्टर करूँ लेट्सपोज़ अगर यहाँ पे सीज़न में विंटर स्प्रिंग ऑटम लिखा हुआ है और मैं ये चाह रही हूँ कि सिर्फ मुझे समर का रिकॉर्ड शो यानी समर का मंथ, उसके डेज़ और इसकी सीरीज शो हो तो मैं क्या करूँगी मैंने जैसे ही फ़िल्टर किया फ़िल्टर के बाद मैंने पर राइट क्लिक किया अब राइट क्लिक पे देखें आप सिलेक्ट ऑल ऑप्शन हुए हैं है। एक ऑटम भी है स्प्रिंग भी है समर भी है विंटर भी है तो जैसे ही मैंने सबको अनचेक करके सिर्फ समर पर मैंने क्लिक किया ये देखें जैसे ही मैंने समर पे क्लिक किया तो मुझे सिर्फ समर का रिकॉर्ड ही शो हुआ तो बेसिकली मैंने क्या किया है इस डाटा को मैंने फिल्टर किया है तो ये बहुत इजी मेथड है ये मैंने आपकी आसानी के लिए ये मैंने दोबारा से ये प्रैक्टिस करके आपको दिखाई है तो आप सब ने भी स्टूडेंट इसी तरह ही प्रैक्टिस करनी है और मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये फिल्टर करने में कितनी जो है आपको आसानी लगी है ठीक है तो आई थिंक इट्स वेरी इजी टॉपिक आप सब बच्चों ने स्टूडेंट्स ने इसको अच्छे से करना है और आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा तो इसी तरह आप चाहें तो आप डेज़ को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि कौन से डेज जो हैं डेट्स हमें स्पेसिफाई हो filter में। let's suppose, date में फिल्टर में जैसे लेट्स सपोज थर्टी वन डेट में चाह रही हूँ सिर्फ मुझे फ़िल्टर में शो हो तो देखें थर्टी वन डेट शो हो रही है कि कौन से मंथ की डेट जो है वो कितने डेज़ होते हैं तो थर्टी वन डेज़ जुलाई और अगस्त के शो हो रहे हैं ठीक है तो बेसिकली ये डाटा क्या हो रहा है फिल्टर हो रहा है आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सो यू हैव टू लर्न द कन्सेप्ट ऑफ फिल्टरिंग इन एक्सेल एंड डू प्रैक्टिस ऑन एम एस एक्सल थैंक यू